तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम बात करेंगे फाइल कॉपी करने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। और ये काम मेरे है, मेरा इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बनाऊं और आप भी देखें कैसे मैनेज करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास एक फोल्डर है, जूम का फोल्डर है, आपने देखा है अभी, तो मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स में सेव होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सारे रिकॉर्डिंग्स को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करें? तो बेसिकली आप यहां देख पा रहे हैं कि इसके जो पहले नाम जो दिख रहा है, इसके इसके अंदर जो फाइल के नेम है वो जूम का नाम है। क्या नाम है? ओनली फॉर जूम। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि इस फाइल का पहले तो इस फाइल को इसमें से निकाल के इसका नाम देना है जून जीरो को, इसका नाम देना डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, तो नाम उस नाम से देना, ठीक है, और फिर इसको हमें सेव करना है। उसके बाद हम दूसरा प्रोजेक्ट जो आपको करेंगे, मतलब कि हमें क्या करना है बता दूं, हम इसको जून को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम जो फोल्डर हमारे पास एक जुलाई नाम का है उसमें हम इसको पेस्ट करेंगे, और सॉरी शॉर्ट कट पेस्ट हो गया, कंट्रोल जेड दो बार हो गया ना इस कारण से। इस फोल्डर को खोलेंगे, उसमें हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इस, अब हमने पेस्ट जो किया है वो कहां से किया है, हमने एक बार में ऊपर वापस ओपन कर देता हूं जूम, हमने इससे ओपन किया, दिख रहा आपको सर, इससे ओपन किया है, इसका नाम, इसका डेट और टाइम दिख रहा है आपको, इस डेट एंड नाम, नाम तो काफी बड़ा है लेकिन इस नाम में से सिर्फ इसी नाम को हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हम इस पेज को पेस्ट कर देंगे, ओके। समझ गए? और यही काम मुझे हर चीज के लिए करना है। तो सबसे पहले चैलेंज है कि हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फोल्डर है, फोल्डर लिस्ट मिले है कहां से, तो इस फोल्डर लिस्ट को मिलने के लिए तरीके बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम उतना नहीं आगे बढ़ते हैं, हम इसको सिंपल सा जो अतीश जी ने बताया कि कंट्रोल करके कंट्रोल ए के साथ सारे फोल्डर को सिलेक्ट करके ऊपर जो कॉपी पाथ दिख रहा है इस कॉपी पाथ पे क्लिक करके और फिर हम यहाँ एक्सेल सीट पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो एक्सेल सीट पे पेस्ट करते ही क्या हुआ, सारे पाथ आ गए, आ गया। अब इसमें वीवी के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन हम एक्सेल के थ्रू कर देते हैं फाइल नेम, कि फाइल नेम कैसे होगा। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि स्लैश और स्पेस के बीच का उठाना है हमें, स्लैश और स्पेस का बीच का उठाना है। तो हम सबसे पहले यहां पे फाइंड करते हैं, हालांकि वीवी से भी किया जा सकता है लेकिन अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था कि हर चीज के लिए वीवी का यूज करना सही बात नहीं है, तो हम कुछ काम एक्सेल से भी कर सकते हैं। इसने बता दिया कि 50 पे सुजीत है, 50 पे सुजीत है, तो हम एक बार काउंट कर लेते हैं, 4, 5, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 करेक्टर लेना है। तो हमने यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाता हूं, फिर मिड में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि 50 माइनस 19 से शुरू करना है और 19 करेक्टर को लेना है,
तो उसने सब तो लिया लेकिन 19 जगह19 ही रखता हूँ, 18 ही रखता हूँ, 18 सही है। बट हमने जो स्टार्ट किया है ना इसमें प्लस 2 कर 1 कर देता हूँ। अब सही है लेकिन 20 आ गया, इस प्लस 2 इसमें नहीं होगा, 1 नहीं होगा, प्लस 3 करेंगे। नहीं, माइनस माइनस 1 होगा। अब नाम सही आया ना, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ 19 कर देता हूँ। सही है क्या सर, समझ में आया कि नहीं सर आपका? ये हमारा डी के साथ नाम हो गया, ये तो ये हमारा पाथ हो गया और ये हमारा फाइल नेम हो गया। तो चलिए इसके लिए हम माइक्रो बनाते हैं, विजल, यहाँ पे विजल बेसिक, हमने इंसर्ट किया मॉड्यूल्स सब्जेक्ट और यहाँ पे हमने किया फाइल कॉपी, फाइल को भी एक साथ होगा, अलग स्पेस नहीं होता है। अब यहां पे लिखेंगे 4i = चले 1 से रेंज a65000 डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट रो। उसके बाद यहां पे हम दो वेरिएबल लेते हैं डिम ओरिजन कॉमा डेस्टिनेशन एज ए, और यहां हम करते हैं o = रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई डॉट वैल्यू एंड परसेंट स्लैश और जूम स्कोर 0 डॉट mp4। यही पाथ है, एक बार देख लेता हूं पाथ में। mp4 फाइल डॉट mp4 सही, ये हमारा ओरिजिन बन गया। और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, d = इसके साथ एन परसेंट रेंज डी साथ हमने आई किया डॉट वैल्यू एंड परसेंट डॉट mp4। मैं देख लेता हूं डी ही है ना कि कोई और कॉलम तो नहीं है, हाँ डी कॉलम ही है। ओके, अब मैं सिंपल यहां दूंगा फाइल कॉपी
या सिर्फ कॉपी होता है, फाइल कॉपी नहीं होता, फाइल कॉपी ओ कॉमा डी। ओके, फाइल कॉपी नाम का माइक्रो बनाया है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। फाइल कॉपी सोर्स ओ कॉमा डी डेस्टिनेशन, इसमें ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। ओके सर, तो फिलहाल हम एक बार पहले से जो एक फाइल पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं डिलीट ही कर दिया हमने, एक बार इस माइक्रो को हम रन करते हैं। घंटों का काम को देखिए सेकंडों में कर दिया ना सर। अभी रनिंग है, टाइम लगाया, तो फाइल कॉपी करने में टाइम लगता है ना, बहुत सारे फाइल कॉपी कर रहा है ना सर, सो टाइम तो लेगा थोड़ा सा। और इसका भी फेज वन है, ठीक है। यस सर। अभी क्या है कि जैसे कि फाइल आ गया, अब इस फाइल को इसके बैच के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करना है, समझ गए। जैसे कि 13 है तो 13 बजे वाले फोल्डर में चल जाए, ये आपका 19 है तो 19 वाले फोल्डर में चला जाए, 07 है तो 07 वाले फोल्डर में चला जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसको अलग अलग फोल्डर में मुझे डालना है, तो पहला फेज मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी भी रनिंग है। ये थोड़ा सा हैंग भी हो गया, ये कॉपी पेस्ट काफी ज्यादा हो रहा है ना इसलिए। तो इस कोड को समझिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें। सिंपल है, बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी हमें पूरे फोल्डर की लिस्ट निकालनी है, और फोल्डर की लिस्ट कैसे निकलेगी, तो इसके लिए क्या है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ये निकल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ये निकल सकता है। और अगर बोलेंगे तो इसका माइक्रो भी हम, इसके पास माइक्रो इसके है, मैंने देखा है माइक्रो। डिबग आ गया, फाइल नॉट फाउंड, रिकॉर्डिंग की परमिशन है। अच्छा जितेंद्र जी, यस सर, क्या हो गया, लेट हो गया ना, कौन सा फाइल अवेलेबल नहीं है। ओके, कोई फोल्डर है 20 तारीख में, 20/7/23। अच्छा अभी जो आपका फोल्डर चल, क्लासेस चल रही है उसकी है, वो कन्वर्ट नहीं हुई है ना, 16.0 नहीं आया, तो इसको खत्म कर। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगली प्रॉब्लम ये आती है कि सारे फाइलों को इसके फोल्डर के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करें, समझ गए। तो चलिए इसके लिए एक अलग माइक्रो बनाते हैं, फाइल अंडरस्कोर कॉपी टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले यहां पे करते हैं डिम fn with the file name as a string, और fn equal to dir, और हमें यहाँ पे dir function लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ये पता लगा सकते हैं easily कि एक folder में कितने number of file है, dot mp4, ठीक है, start dot mp4,
और हमने इसमें कॉमा दिया वीवी नॉर्मल, ये डीआईआर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहां पे डू व्हाइल एब्सेंट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड Fn इक्वल टू dir, हमने रीलोड कर दिया जैसे हम करते हैं और फिर यहाँ लूप लगा दिया। बात आती है जो फाइल नेम है हमारा, ये फाइल नेम दिख रहा है मुझे, इसमें से इसका सिर्फ जो है क्या निकालना है, 13 निकालना है, मतलब कि इसकी टाइमिंग कैसे निकाले इसके लिए। तो इसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि dim F स्पेस एस एज ए हमने दिया लॉन्ग, और यहां पे ये यहां करना पड़ेगा S इक्वल टू एक बार में S इक्वल टू यह है इन एस टी आर, और हमने बोला वन से स्टार्ट करो, किसमें ढूंढना है तो ढूंढना है हमें Fn में, क्या ढूंढना है स्पेस, यहां हम करेंगे यहां पे मिड का फॉर्मूला फुलर एफ एल इक्वल टू हमारी मिड और मिड के अंदर में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसमें मुझे एफ एन से S प्लस वन स्टार्ट करो और टू करेक्टर को दे दो। तो टू करेक्टर ये आपको नाम दे देगा। फिर मैं यहां पे करूंगा mkdir, mkdir में मैं डालूंगा पाथ 1 जुलाई की, और इसमें फाइल नेम जो होगा हमारा फोल्डर बनाना पड़ेगा ना एम्परसेंड एफएल के नाम से, एम की ब्रैकेट नहीं होता है, तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस टाइमिंग से और मुझे उसमें डालना है। तो एक फॉर्मूला एक होता है नेम, नेम नाम का फॉर्मूला होता है, फाइल नेम होता है या नेम ही होता है, नेम नेम तो नेम में क्या करना है, एज ए परसेंट एफ एल इसमें स्लैश करना पड़ेगा ना, रिनेम कर देगा तो फाइल को मूव कर देगा, मतलब कि इसको उठा के इसमें डाल देगा, नेम फॉर्मूला मूव करने के लिए रिनेम भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ओके, बट मैं एक बार यहां फाइल नेम फोल्डर नेम को चेक करना चाहता हूं, फोल्डर नेम को एक बार चेक करना चाहता हूं, तो एंड कमांड लगा दिया मैंने ताकि इसे नीचे ना बढ़े, और एम एस जी बॉस के अंदर में मैं डाल देता हूं एफ एल फोल्डर, तो मुझे इस पे शक है, मैं इसको रन करता हूं 13, ओके 13 टाइमिंग है ना, सही चले बेटर। अब मैं इसको एक बार माइक्रो को एफएल को हटा देता हूं, हटाता हूँ एंड को भी हटा देता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, वही एम के डायरेक्टली तो वर्क करेगा नहीं, तो यहां हमें देना पड़ेगा कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, इसको एक बार रन करते हैं।
ठीक है, बट फाइल को मूव नहीं कर पा रहा है। फोल्डर तो इसने क्रिएट कर दी बट इसने फाइल को मूव नहीं किया। छह वाले में छह का नहीं है, इंपैक्ट है। सेवन वाला भी इंपैक्ट है, इंपैक्ट है। मतलब कि फाइल का कोड जो है वो रन नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि मूव कर रहा है। एफर्ट के थ्रू रन करता हूँ। फाइल आ गया, देखो इस पे क्या आया, हेलो। तीन को अलग किया तो तीन नाम का फोल्डर हो गया। फाइल नॉट फॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल ओटी के कमांड डालूं तो लग जाए फाइल को, फाइल पाथ नॉट फाउंड। ओके, ये नंबर है और यहां पे टेक्स्ट है, शायद इसीलिए दिक्कत कर रहा है। वाइल मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं एफ लिखता हूँ।
ओ यहाँ पे दिक्कत थी, माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ स्पेस दिया हुआ था, अब पता चला देना होता है। मेरी मिस्टेक थी, मैंने सिंपल से स्पेस दिया था। अब मैं इसको रन करता हूँ वन बाय वन। हो गया ना, अब मैं इसको एक बार पूरे को रन करता हूं। हाँ बस 2 मिनट, इसे मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दूं। सर सेग्रीगेट होना गया सर एक टाइम में। अतीर जी तो हमें कितना घंटों का काम बचा लिया ना सर। तो एक्सेल का यूज जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने रिपोर्टिंग में ही करें, हम बाकी जगहों पे भी करते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, फिर हम कल जो है हम कल एक और टॉपिक कराएंगे, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे अपना यूजर फॉर्म। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके बाय, गुड नाइट सर।